push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी में मैं बनाऊंगी मिक्स फ्रूट्स का जैम। मिक्स फ्रूट्स का जैम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन फ्रूट्स लिए हैं। 1.5 किलो मैंने ली है स्ट्रॉबेरी, 1 टिन मैंने लिया है पाइनएप्पल का, 3 दरमियाने साइज़ के मैंने सेब लिए हैं, 1 किलो ली है चीनी और 7 से 8 मैंने लिए हैं ये छोटी इलायची। मैंने यहाँ पर 3 फ्रूट्स लिए हैं, आप कोई से भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि जो फ्रूट्स हों वो ज़्यादा वाटरी ना हो, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया। सबसे पहले मैं एक खाली बाउल लूँगी, इसमें डालूँगी स्ट्रॉबेरी, एक टाइम मैं लगाऊँगी स्ट्रॉबेरी की। इसके ऊपर डालूँगी मैं चीनी, फिर से इसके ऊपर तय लगाऊँगी स्ट्रॉबेरी की। अब स्ट्रॉबेरी को मैं 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी। स्ट्रॉबेरी को मैंने चीनी में डालकर 2 घंटे के लिए रख दिया है। अब मैं पाइनएप्पल को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करूंगी और सेब के ऊपर से इस छिलका उतारकर इसको कद्दूक्रश करूँगी। कद्दूक्रश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जैम में थोड़ा सा दाना चाहिए। आपका जो दिल करे आप इसको भी ब्लेंड कर सकते हैं, डू व्हाटएवर यू वांट। पाइनएप्पल को मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है, सेब को मैंने कद्दू क्रश कर लिया है और ये जो इलायची है ये जब दोनों तीनों बल्कि स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और एप्पल जब ये पकने लग जाए तो आपने इसमें टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए आपने इलायची डालनी है। इलायची मैंने वैसे ही रखी है, आपने इसको पीस कर डालना है। स्ट्रॉबेरी में जो चीनी मैंने डाल कर रखी थी उसने पानी छोड़ दिया है, बिल्कुल इसमें मिक्स हो गई है। अब इसको कढ़ाई में डालूँगी। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। पाइनएप्पल, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब ये बिल्कुल गर्म हो जाए और ये उबलना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको चम्मच के साथ हिलाते हुए पकाना है। इसमें उबाल आना शुरू हो गया, आपने अब जब ये उबाल आना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर झाग बनती है, तो जो झाग इसके ऊपर बनती जाएगी आपने उसको साथ साथ उतारते जाना है। जैम के ऊपर से मैंने सारी झाग उतार ली है, अब आपने इसको गाढ़ा होने तक चम्मच से हिलाते हुए पकाते जाना है। जैम मेरा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, अब मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल दूंगी। इसको चलाते हुए पकाऊंगी, तब तक पकाऊंगी जब तक ये मुकम्मल गाढ़ा ना हो जाए, जब तक कि इसकी वाटर कंसिस्टेंसी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। जैम मेरा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको मज़ीद चेक करने के लिए कि यह तैयार हुआ है या नहीं, आप प्लेट पे थोड़ा सा जैम लें और इसको टेढ़ा करें। अगर तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाटरी है तो इसका मतलब आपका तैयार नहीं हुआ है, या नहीं कि इसमें से पानी अगर अलहदा हुआ है तो आपका जैम तैयार नहीं हुआ है। इसमें से पानी अलहदा नहीं हो रहा, अब जब मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। जैम मेरा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू सर्व।